कलकत्ता दे विच जयपाल भुल्लर ते जसप्रीत सिंह जस्सी दा एनकाउंटर कीता जांदा है, जिस तों बाद लगातार पंजाब पुलिस दे उपर सवालां दी झड़ी लगी हुई है। जयपाल भुल्लर दे परिवार द्वारा पोस्टमार्टम दी मांग की गई सी ते अज PGI दे विच जयपाल भुल्लर दी मृतक देह नूं लिआंदा गया ते पोस्टमार्टम कीता जा रहा है। अते तकरीबन हुण 2 घंटिआं तक इंतजार किया जा रहा है कि कद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आवे ते ये पता लगे कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे विच की कुछ सामने आता है। सो बड़े खदशे ने जो परिवार द्वारा जताए जा रहे हैं, उन्होंने करीबियों द्वारा जताए जा रहे हैं। उन्होंने आखना है कि जिहड़ा उन्हों का इनकाउंटर किया गया वो एक फेक इनकाउंटर है। सो गलबात करन दी कोशिश करते हैं, उन्होंने साथी इत्थे मौजूद ने जयपाल भुल्लर दे, उन्हां तों पुछदे हैं कि खदशे की ने। सो खदशे परिवार द्वारा जताए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम पहला भी होया सीगा, तुहाडा परिवार का कहना है कि फेक इनकाउंटर किया गया, ये खदशे किहड़े जिहड़े बयान ने ये किहड़े आधार पर लगाए जा रहे हैं? मैडम सब तो पहला तो जी साडे कोल कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, ना ही सानू रिपोर्ट दी गई, ना ही FIR की कॉपी दी गई है जी। दूसरा आधार ये है जी, जेकर तुम कह रहे हो जी एनकाउंटर है जी, सब सारे मीडिया के एनकाउंटर दिता गया क्या गया जी, DGP साहब ने भी कहता कि एनकाउंटर है, गोलियां बजियां जी, क्रॉस फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग दे विच बंदे की डैथ हो गई जी। ठीक है जी, असं एनकाउंटर मानते जी, पर मैनू एक गल का सवालिया चिन्ह जी इस चीज़ के उत्ते कि जे एनकाउंटर होंदा तां हड्डियां टुटदियां जी, मोढ़ा टुटा जी, दो जगह तो बांह टुटी है जी, अगो हाथ गुट टुटा जी, पसलियां टुटियां जी, पट टुटिया जी, ये किस तरह रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर है जी, कि वह गोलियां दे नाल हो सकते जी? इस चीज़ का जवाब तुसी भी मीडिया कर्मी हो, तुसी खुद देख सकते हो, बाकी पोस्टमार्टम हो रहा जी, उस तो बाद रिजल्ट आ जाएगा जी सामने। पोस्टमार्टम पहला भी जो किया गया, हुण भी पोस्टमार्टम PGI द्वारा किया जा रहा है, तुहाडे मन दे विच ये उम्मीद की है कि हुण जिहड़ी रिपोर्ट आएगी वह सही आएगी? ये तो रिपोर्ट आने तो बाद ही पता चलेगा जी, क्योंकि जो वीडियोज़ भी वायरल हो चुकी हैं, सब कुछ वायरल हो चुके हैं, उन शरेआम पता चल रहा है जो जो हड्डियाँ फ्रैक्चर्स है बॉडी पार्ट्स के उपर की निशानस है, जिस तरह नील के निशान पे हुए जी, जो भी बंदे किसी आप, क्योंकि शार्प जड़ा है, शार्प के अलग निशान है जी, जो कोई शूट होंगी है चीज़ उनका अलग निशान है, जो ब्लंट हों ब्लंट का अलग निशान है जी, और वह ब्लंट के निशान है जी। इनकाउंटर से गल करिए तो पंजाब पुलिस के उपर पहला भी फेक इनकाउंटर से बहुत सारे दोष लग चुके ने, ये दोष पंजाब पुलिस के उपर लगते रहते हैं कि इनकाउंटर से नाम से फेक इनकाउंटर करके जेडे लोगों मार दिता जाता है। तुसी उन्होंने दोस्त रहे हो जयपाल भुल्लर दे, तुसी मानते हो कि उन्होंने गलत राह चुनिया, पर उस तो बाद जो इनकाउंटर किस तरह पुलिस द्वारा किया जाता है, इस कार्रवाई में पुलिस दी किस तरह देखते? नहीं मैम, एक गल तुसी मैनूं दसो जी, एक बंदा चोरी कर रहा जी, दूसरा बंदा आउंदे तो दोबारा फिर चोरी कर रहा जी, फिर उन्हां दे विच डिफरेंस तो नहीं रह गया? असी उसनूं नहीं, उसनूं असी प्रूफ नहीं करना चाहुंदे कि वह सही सी गलत सी, जेकर वह गलत सीगा तो उन्हूं कोर्ट दे विच पेश कीता जांदा, ट्रायल चलता, जो सज़ा बनती सज़ा दिती जांदी, पर जेकर उन्हां दे इल्ज़ाम लाया जांदे कि जगराओं पुलिस दे जिहड़े दो मुलाजम है जी उन्हां नूं मारिया गया, जगराओं पुलिस को मारन तो बाद जिहड़ा भी इन्हां दा एनकाउंटर किया गया जी, एक तुसी देख सकते हो गुरजंट दी जी जस्सी दा कज़न है जी, उन्दी वीडियो भी वायरल हुई है, उस दे विच शरेआम किसी सीनियर ऑफिसर है उन्हां दे नाल गल कर रहे हैं, वो गल दे विच वीडियो कॉल दे विच साफ बोलिया जा रहा कि असीं उन्हां नूं पेश कराउणे आ, तां वो अगों कह रहे हैं कि नहीं पेश नहीं करना जी, साढ़े दो बंदे मरे है जी, असीं वो पेश नहीं होगा। जयपाल भुल्लर के मामले के परिवार द्वारा की यह गल पुलिस प्रशासन सामने रखी गई थी भी उन्होंने पेश किया जाता हाई कोर्ट के अदालत के सामने, उन्होंने उत्थे बनती सज़ा दी जाए पर इनकाउंटर वर्गी कार्रवाई ना की जाए, इस तरह का जो मामला परिवार द्वारा लिया गया सामने पुलिस प्रशासन के? ये पहला भी कई बार हो चुकी हैं ये गल जो अप्रोक्स जिस तरह उन्होंने फादर साहब दस रहे हैं जी, 5 तो 6 महीने पहला गल हुई सी उदो भी यही गल हुई सी, तां उसने उस टाइम भी कहता सीगा कि डैडी मैं पेश होने हो जाना, पर पेश तो गौंडर भी होया सी, हर एक नूं पता है, पर उसका एनकाउंटर बनाया गया कि जेकर मैं पेश होना तो पेश होने तो बाद सानूं पता है कि साडा एनकाउंटर किया जाएगा, फेक एनकाउंटर मैं पेश भी हो जाना, रस्ते दे विच जांदे कह देंगे कि ये भज रहा सी गई, भज दे नूं गोलियां मार देंगे, और उही हुण होया जी। जो फेक इनकाउंटर की गल कर रहे हो, हुण रिपोर्ट जेकर आ जाती है उस तो बाद थोड़ी फिर मंग की है प्रशासन तो कि न्याय किस तरह मिलना चाहिए परिवार ने, क्योंकि एक माँ ने अपने पुत्र को खो दिता, दूसरा पुत्र हिरासत दे विच है, उस परिवार के उपर दुखों का पहाड़ है इस समय, थोड़ी मंग की है? मंग यही है जी, जो जिसने जिस तरह का कर्म किया जी उन्होंने उस तरह का फल मिले जी,
और कानूनी तौर के तौर पर मिले जी। जेकर इन्होंने किया फड़ के इन्होंने उपर भी एफ आई आर दर्ज की गई 302 के मुकदमे दर्ज किए गए। इसका मतलब एनकाउंटर नहीं मर्डर है, जेकर जेकर पहला फड़ के मारिया गया तो मर्डर है, एनकाउंटर नहीं है। जेकर वो मर्डर किया गया तो उन्होंने उपर एफ आई आर सुन, उन्हां दे उपर उही केस चलन जो 302 दे परचे आम चलते कतल दे जी, उही परचे जिहड़े उन्हां दे आम जो जो इन दे विच इनवॉल्व है जी उन्हां दे उपर चल। सो दोष लगाए जा रहे हैं परिवार द्वारा, पहला भी जिस तरह कि फेक एनकाउंटर किया गया ये भी दोष लगाए गए हैं कि जयपाल भुल्लर नू पहला 2 घंटे उन्होंने उत्थे जिहड़े पछम बंगाल दे विच फ्लैट दे विच उन्हां दे नाल कुटमार की जाती है उन्होंने पिता द्वारा दोष लगाए गए हैं, तो उस तो बाद एनकाउंटर किया जाता है, इस करके फेक एनकाउंटर का नाम परिवार वालों दिता जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस मामले के पोस्टमार्टम दोबारा तो किया जाए। दस दिए कि पहला भी इस तो पहला हाई कोर्ट के सामने अपील की गई थी परिवार द्वारा कि पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, पोस्टमार्टम एक बार होंगे दोबारा पोस्टमार्टम करने की अपील की जाती है पर हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि हाई कोर्ट इस मामले पर दोबारा तो फैसला सुनाए, जिस तो बाद आदेश दिता गया कि 22 तरीक न भाव कि अज पोस्टमार्टम किया जाएगा तो अज सवेर 10 बजे तो जोड़ा मृतक देह जयपाल भुल्लर की मृतक देह इतने PGI के लिया गया तो हूँ इस समय पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने मृतक देह अंदर मोर्चरी के लिजाया गया। तस्वीरों के थानू दिखाना चाहवागे वो ट्रक जिस जयपाल भुल्लर की मृतक देह इतने PGI के लिया गया, सवेर करीब 10 बजे का समा दिता गया कि इतने PGI के पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसका इंतजार लगातार परिवार द्वारा सकिया संबंधियों द्वारा तो लगातार लोगों द्वारा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तो बाद की नतीजा सामने निकल के आता। सो तस्वीरों के ट्रक देख सकते हो, इस दे विच ही जिहड़ा जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं इत्थे लियांदा गया। इत्थे हाई कोर्ट द्वारा यह भी दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिए गए सन कि फिरोजपुर जिले द्वारा उन्होंने जिहड़े योग प्रबंध करके दिते जाण जिथे कि जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं रखिया जा सके, तो उस तो बाद ही यह फैसला हाई कोर्ट द्वारा यह सुनाया गया सीगा कि 22 तरीक नूं उन्हां दा पोस्टमार्टम द्वारा तो किया जाएगा। सो हुण PGI दे विच अंदर मृतक देह नूं लियांदा जा चुकिया ते पोस्टमार्टम किया जा रहा है ते हुण उम्मीद परिवार द्वारा ही लगाई जा रही कि पोस्टमार्टम के उन्होंने पक्ष की गल सामने निकल के आए, पर हुण उस तो बाद ही पता लगेगा कि पोस्टमार्टम के सामने आता है तो यह मामला अगे की मोड़ लैंदा है। तस्वीरों के देख सकते हो कि पुलिस बल की तैनाती भी इत्थे की गई है, क्योंकि जयपाल भुल्लर के मामले की गल करिए इस मामले वड्डे दोष लगाए जा रहे हैं परिवार द्वारा पंजाब पुलिस की कार्रवाई के उपर कि उन्होंने द्वारा यह एनकाउंटर जिहड़ा फेक किया गया। तुसीं देख सकते हो कि इत्थे पुलिस वल की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीर PGI के मोर्चरी दियां ने जिथे कि आ जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं लिया गया, इत्थे तुसीं तस्वीरों के देख सकते हो। सो गलबात हुण करन दी कोशिश करदे आ जयपाल भुल्लर दे वकील दे नाल कि मामला हुण इस वक्त किस मोड़ ते पहुँच चुके आ ते की जिहड़े कानूनी दाव पेचां दे हिसाब नाल की अगे कार्रवाई की जा सकती है। जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं अज लिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पहली गल तो यह कि इस पोस्टमार्टम से किन्नी क आस है कि यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार द्वारा जो गल आखी जा रही उसके मुताबिक सही आएगी? देखो जी बिल्कुल सानू एज अ इंस्टीट्यूट PGI के बहुत विश्वास है, तो सानू पूरी आस है कि जिहड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इंपार्शियल होएगी एंड फेयर होएगी, तो वी डोंट हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड टू द यू नो ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किए गए सन, हाई कोर्ट नूं अगे कहा गया कि इस मामले में दोबारा तो सुनवाई की जाए, पंजाब पुलिस की भूमिका इस समय किवें देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो हुण पोस्टमार्टम के लिए आख्या गया पर जब पंजाब पुलिस के सामने परिवार द्वारा यह गल आखी गई कि उन्हां द्वारा फेक एनकाउंटर किया गया जां इस मामले में कार्रवाई की जाए पर हजे तक भी पंजाब पुलिस के उपर दोष परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं, पंजाब पुलिस की भूमिका किवें देखते हो? देखो पंजाब पुलिस का रोल तो ये है ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द DGP आप ही कहने कि असी कोऑर्डिनेट कर रहे थे वैसट बंगाल पुलिस नाल, तो कॉन्सपीरेसी का पार्ट तो ऑटोमैटिकली गल है कि दोनों बन ही जाएंगे अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्लीयर आ जाता सारा कुछ, तो आपां एज ऑफ नाउ आपां कुछ आपां फिलहाल जिवें प्रिडिक्ट करिए आई थिंक आपां पोस्टमार्टम रिपोर्ट लई वेट करना चाहिए बिकॉज वो आपां एक क्लीयर पिक्चर प्रजेंट कर देगी इस चीज़ बारे। पंजाब पुलिस से पश्चिमी बंगाल की पुलिस के विचकार ये भी गलबात जी चलती रही है कि पंजाब पुलिस द्वारा आखे गया कि कोलकाता की पुलिस द्वारा जिहड़ा एनकाउंटर किया गया उन्हां द्वारा आख्या गया कि पंजाब पुलिस ने निर्देश दिए सन, जिहड़ा परिवार उस द्वारा दोष यह लगाया गया कि 2 घंटे उन्होंने अंदर रखा गया पहला उस तो बाद जिहड़ा एनकाउंटर किया गया, जिहड़े ये दोष लगाए जा रहे हैं इस बारे जिहड़ा पंजाब पुलिस के सामने जां अदालत के सामने किस तरह तुसीं पेश कीता इन्हां चीज़ां? देखो जी
सिंपल जी गल है, जदों कोई प्लैनिंग होंदी है, कॉन्सपिरेसी होंदी है, ये तो है नहीं भी वैसट बंगाल पुलिस ने कल्ली करी, पंजाब पुलिस की सूह ने उन्होंने अगे उत्थे तक पहुँचाया जो पंजाब पुलिस कहती है, तो जदों तुसी प्लैनिंग का एक हिस्सा बन गए हो तो तुसी जुम्मेवार भी इक्वली हो। अगर कल नूं रिपोर्ट कोई आती है जिथे पता लग जाता है भी यह किलिंग है, मर्डर है, ये तो उत्थे दोनों की इक्वल रिस्पोंसिबिलिटी होएगी, बेट पंजाब पुलिस या फिर वो वैसट बंगाल पुलिस है। अदालती कार्रवाई फिर अगे की जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तो बाद? वो अगे साड़ी लीगल टीम जी है, हैडिड बाय अमरपाल सिंह रंधावा एंड इशमा रंधावा मैम, जिन्होंने बहस करी सी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो अगे डिसाइड जो करे बह के आपस के बाकी जो जयपाल के फादर साहब कहे उवें अगे फिर असी फर्दर मूव ऑन करा। हाई कोर्ट के जी अदालत यह गलबात चलती है कि पोस्टमार्टम दोबारा तो करवाया जाना, तो पंजाब पुलिस के वकील द्वारा भी अजिहा रवैया कहें अपनाया गया कि उन्होंने द्वारा आख्या गया कि सानू कोई दिक्कत नहीं है जेकर पोस्टमार्टम दोबारा तो होंगे, तो पंजाब सरकार को किवें देखते हो कि इस मामले में लैके कि संजीदा? देखो सरकार का अपना अपना होंगे जी, जिथे तक गल रही पंजाब पुलिस के वकील की, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे तो वो उपर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। तो बाकी जो हाई कोर्ट के जज साहब का फैसला होया बदौलत ही अज आप इतने खड़े हैं, तो सैकेंड पोस्टमार्टम कंडक्ट हो रहा। सो पोस्टमार्टम जोड़ा किया जा रहा है, तो उड़ीक किसी गल की की जा रही है लगातार कि पोस्टमार्टम के सामने निकल के आता है, कि तथ्य सामने निकल के आता है कि यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वर्गी होंगी है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम के गल रखी गई थी कि यह इनकाउंटर है, पर दोष यह लगाया जा रहा है कि इनकाउंटर नहीं है। उन्हों का आखना है, परिवार वाले का आखना है कि उन्होंने मारकुट की गई है, उन्होंने शरीर के उपर जख्मों के निशान ने, उन्होंने जयपाल भुल्लर दी हड्डियां टुटिया हुई ने जिस दी तस्वीरें भी सोशल मीडिया से वायरल हुई हैं, और यही दोष लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कुटमार करके उन्होंने जख्मी करके उस तो बाद उन्होंने फेक इनकाउंटर किया गया। इस मामले दे विच पंजाब पुलिस की भूमिका के उपर वड्डे सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद यह मामला किस तरीके वाल मोड़ लैंदा है इस गल ते भी बहुत निर्भर करता है कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई किस तरह की है। पंजाब पुलिस के नाम के उपर भी एक वड्डा दोष इस मामले दे नाल लग गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद हुण पंजाब पुलिस की कार्रवाई है, पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरह इनकाउंटर करन दी गल आखी गई है उसते भी वड्डे सवाल खड़े होने वाले ने। असल च यह है कि कलकत्ता पुलिस ने सानू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सी दित्ती, ना उन्हें सानू डेड बॉडी दिखाई सी, उन्हें डेड बॉडी नहीं सी दिखाई, ना उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिती सी, एफ आई आर तक नहीं सी दिती, उन्हें पैकिंग करके बॉडी ते अपनी स्टडी च एयरपोर्ट आने लई उन्होंने भेज दिती सी, ते इस करके सानू दोबारा जिहड़ा दा पोस्टमार्टम करवाउणा पिया। चंडीगढ़ पीजीआई दे विच जयपाल भुल्लर दे पोस्टमार्टम दे लई सवेर करीब 10 बजे मृतक देह लियांदी गई सी, पर हुण 3 बज चुके ने ते हुण तक पोस्टमार्टम आख्या जा रहा है कि हो चुका है, अते डॉक्टर की टीम बाहर आ चुकी है। एंड विल हैंड ओवर द रिपोर्ट एज पर हाई कोर्ट। सर ये जो रिपोर्ट होगी क्या ये हाई कोर्ट में सबमिट की जाएगी आपके तरफ से? हम पेटिशनर को रिपोर्ट दे रहे हैं। डॉक्टर्स के इसमें पैनल था, कितने डॉक्टर्स थे और कितने घंटे इसको लगे हैं वो करने में? इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर थे जी सर, जी सर, तो पूरा पैनल बना था, वो आपको पता लग जाएगा तब। अब हम कंपाइल ही करेंगे, शाम तक तैयार हो जाएगा। डॉक्टरों का आखना है कि आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टरों की टीम द्वारा यह गल आखी गई है, दस दिए कि पीजीआई के 5 डॉक्टरों द्वारा जयपाल भुल्लर की मृतक देह का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, हुण तस्वीरों में तुहानू दिखा चुकी हैं कि डॉक्टरों की टीम बाहर आ चुकी है, आख्या जा रहा है कि कुछ ही देर कुछ ही चिर हुण मिनटों के जी पोस्टमार्टम तो बाद मृतक देह को बाहर लिया जा रहा है। इत देख सकते हो पुलिस की तैनाती भी है, पुलिस द्वारा सख्ती वरती जा रही है क्योंकि मृतक देह को बाहर लिया जाना है। हुण सवेर करीब 10 बजे तो पोस्टमार्टम की गल आखी जा रही थी, 10 बजे मृतक देह को इत्थे लिया गया परिवारिक मैंबर द्वारा, हुण करीब 3 बजे दे करीब हुण पोस्टमार्टम तो बाद जयपाल भुल्लर की मृतक देह को पीजीआई दे जिहड़े मोर्चरी तो बाहर लिया जाएगा। तस्वीरों के तुसीं देख सकते हो किस तरह पुलिस की तैनाती इत्थे की गई है, क्योंकि हालातों को देखते हुए पुलिस द्वारा सख्ती वरती जा रही है, हुण जयपाल भुल्लर के पोस्टमार्टम तो बाद मृतक देह को बाहर लिया जाएगा। जय
जयपाल भुल्लर की मृतक देह हुण बाहर लियांदी जा रही है। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो पोस्टमार्टम तो बाद मृतक देह नूं बाहर लियांदा जा रहा है। तस्वीरां दे विच तुसीं मृतक देह नूं देख सकते हो। उन्हां दे पिता जी इत्थे आए सन जयपाल भुल्लर दे अते उन्हां द्वारा इत्थे फिरोजपुर तो डेड बॉडी लियांदी गई सी अते हुण पोस्टमार्टम तो बाद मृतक देह नूं वापस ले जाया जा रहा। दस कि ट्रक दे विच जिहड़े कि फ्रीजर दे विच मृतक देह नूं लियांदा गया सी अते हुण करीब 3 बजे वापस मृतक देह नूं वापस जिहड़ा कि आ भेजिया जा रहा है। इत्थे भी दस दिए कि डॉक्टरां द्वारा गल आखी गई कि अज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिहड़ी आ सामने लियांदी जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिती जाएगी। ये मृतक देह नूं हुण वापस भेजिया जा रहा है। लगातार गंभीर आरोप पुलिस के उपर पोस्टमार्टम के संबंध में परिवार द्वारा लगाए जा रहे सी अते हुण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद बहुत कुछ साफ होने वाला है। फिलहाल तस्वीरों के विच तुसीं देख सकते हो किस तरह पोस्टमार्टम तो बाद जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं वापस भेजा जा रहा। इसी ट्रक दे विच सवेरे करीब 10 बजे पोस्टमार्टम के लिए मृतक देह नूं PGI दे विच मॉर्चरी दे विच लियांदा गया सीगा। PGI दे 5 डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतक देह का पोस्टमार्टम किया गया है अते इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अज शाम तक आने की गल आखी गई है। हुण जयपाल भुल्लर की लाश नूं उन्हां दे जद्दी पिंड फिरोजपुर ज़िले दे विच ले जाया जा रहा है। यह भी गल आखी जा रही सी कि पोस्टमार्टम तो बाद अंतिम संस्कार कर दिता जाएगा मृतक देह का, क्योंकि परिवार द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए सन कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो पहली की गई सी वो सही नहीं सी अते इल्ज़ाम लगाए गए सन कि मृतक देह दे उपर निशान मिले ने जख्मां दे, उसदे नाल कुटमार की गई है जयपाल भुल्लर दे नाल, जिस तों बाद दोबारा तो पोस्टमार्टम करवाउण की गल आखी गई अते हुण हो सकता है कि अंतिम संस्कार भी किया जाए। फिलहाल रिपोर्ट आज शाम तक जी सामने आने की गल दसी गई है। ये तो जवान बच्चा 6 फुट नहीं हो सकता, ये तो माड़ी गल की हो सकती यार। एडे एडे जवान बच्चे थलीट बच्चे तुम गैंग बना बनाई जाते हो, आपके बच्चों को तुम नौकरियां दी जाओ सरकार आओ तो यार छो, पर साडा हालात की नजर दे अच्छे को भी मैं कना होंगे ना तो हाल भी ये इशू होंगे थोड़े हाथ से मैं कहने बचे करते अफसोस सरकार के पिटे लालत पिटे लालत सरकार के एडे एडे जवान मुंडे यार 6-6 फुट 4-4 इंच दे वाहगुरू दऊगा सच्चे पातशाह दऊगा गुरु गोबिंद सिंह जी देन के सर वो फादर साहब गल कर पर वाहगुरु साहब जी इंसाफ देन के फादर साहब दसन गए जो भी वाहगुरू वाहगुरू दऊगा वाहगुरू दऊगा परमात्मा दऊगा परमात्मा है मेरी तो एक बेनती बी जे जवान मुंडिया जेडे अथलीट मुंडे ने उन्होंने किड़े राह तोरी जाते सुन सकते हो कि परिवार द्वारा यह गल आखी जा रही है कि वाहेगुरु इंसाफ करेगा। परिवार द्वारा पोस्टमार्टम दोबारा करने की मांग की गई थी, जिस तो बाद अज PGI दे विच दोबारा तो पोस्टमार्टम किया गया। हुण दोबारा फिरोजपुर के जद्दी पिंड दे विच जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं ले जाया जा रहा है। यह भी गल आखी गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार वाले नूं सौंपी जाएगी, जो भी एक वड्डा सवाल बढ़िया होया सी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसनूं सौंपी जाएगी अते हुण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद ही परिवार द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार जयपाल भुल्लर का किया जाएगा ज नहीं, क्योंकि पहला अंतिम संस्कार नहीं किया गया सी क्योंकि दोबारा तो पोस्टमार्टम करने की मांग परिवार द्वारा रखी जा रही थी।
देख सकते हो कि जयपाल पुलर की मृतक देह नूं हुण वापस लिजाया जा रहा है, जिसे ट्रक दे विच सवेर उस मृतक देह नूं लिआंदा गया सी, उसे ट्रक दे विच वापस मृतक देह नूं रखिया गया अते हुण वापस लिजाया जाएगा। अते अज शाम नूं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है उस तो बाद फैसला लिया जाएगा परिवार द्वारा कि अंतिम संस्कार करना है जो नहीं करना। सो तस्वीरों के देख सकते हो कि जयपाल भुल्लर की मृतक देह वापस ले जाया जा रहा है। सवेर तो अज 10 बजे का समा दिता गया सी, पर हुण 3 बजे के करीब पोस्टमार्टम जिहड़ा पूरा किया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा यह गल आखी गई कि अज शाम तक, भाव कि अज जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो परिवार वाले नूं सौंपी जाएगी। हुण परिवार द्वारा की फैसला लिया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के विच की कुछ सामने निकल के आता, एक वड्डा सवाल बनिया होया हले तक भी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद वड्डे खुलासे होने का जी गल आखी जा रही थी। परिवार द्वारा जो दोष लगाए गए थे पंजाब पुलिस के उपर कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं है, उन्होंने द्वारा आखिया गया सी कि कुटमार की गई है जयपाल भुल्लर के नाल, उसका फेक इनकाउंटर किया गया, जिसका सारा जो जो उन्होंने द्वारा दावे किए गए हैं उसका असल सच इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद ही पता लगेगा। और जो परिवार वाले तो यह गल पूछी गई है कि जेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही आती है ज नहीं आती, इस बारे उन्होंने की आस है, तो उन्होंने द्वारा आखिया गया कि इसका इंसाफ परमात्मा करेगा। सो तस्वीरों के एक बार फिर तो देख सकते हो कि किस तरह मृतक देह वापस ले जाया जा रहा है ट्रक के विच। जयपाल भुल्लर के पिता तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो, जो अज सवेर मृतक देह नूं इत्थे PGI विखे लैके आए सी। दस दिए कि जयपाल भुल्लर के पिता खुद भी एक पुलिस अफसर रहे ने, तो उन्होंने द्वारा ही ये मामला उठाया गया सी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने द्वारा ये मांग हाईकोर्ट के सामने रखी गई, अदालत के विच रखी गई कि पोस्टमार्टम दोबारा तो किया जाए। उन्होंने द्वारा वड्डे दोष पंजाब पुलिस के उपर भी लगाए गए हैं, पंजाब पुलिस की कार्रवाई के उपर लगाए गए हैं। यह भी गल उन्होंने पिता द्वारा, जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा आखी गई है कि 2 घंटे तक पहला जयपाल भुल्लर से जसप्रीत सिंह जस्सी कुटमार दे नाल कुटमार की जाती रही, जिस तो बाद उन्होंने फेक इनकाउंटर उसे जगह पर कलकत्ता दे विच कीता गया। दस दिए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा जो इनकाउंटर किया गया से, जिस तो बाद वड्डे सवालों के विच पंजाब सरकार पंजाब पुलिस घिरी हुई नज़र आती है। उन्होंने परिवारिक मैंबरों, उन्होंने नाल आए जोड़े उन्होंने साख संबंधियों तुम देख सकते हो, जो उन्होंने जयपाल भुल्लर की मृतक देह PGI विखे लैके आए सन, हूँ मृतक देह वापस ले जाया जा रहा उसे ट्रक के। जद्दी पिंड जयपाल भुल्लर की मृतक देह ले जाया जाएगा। पर हजे भी वड्डे सवाल बरकरार ने कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आखिर की सामने निकल के आता है। जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा वड्डे इल्जाम लगाए गए सन, हुण उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो की आस लगाई जा रही है।
बोलो सर, पोस्टमार्टम हो चुका है, की कहना चाहते हो? मांग की थी किसी परिवार वालों के पोस्टमार्टम द्वारा किया जावे ते हुण हां जी हो गया पोस्टमार्टम हो गया। अगला की हुण साडा ते बाद च दसांगे पोस्टमार्टम जेड़ा कल संस्कार दा की जेड़ा कल 2 बजे संस्कार किया जाएगा जे रिपोर्ट सेम होंदी है जी वो तो कोई मैटर नहीं है पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट दी वेट तक की जावेगी वो कोई मैटर नहीं है मैं हां जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा हुणे गल आखी गई कि कल नूं 2 बजे अंतिम संस्कार जयपाल भुल्लर का किया जाएगा। उन्होंने द्वारा यह भी गल आखी गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे उन्होंने द्वारा कोई भी पुख्ता गल नहीं सामने रखी गई है। उन्होंने आखना कि कल नूं संस्कार अंतिम संस्कार जयपाल भुल्लर दी मृतक देह का किया जाएगा। ये भी गल आखी गई है कि पोस्टमार्टम की उड़ीक करन जां पोस्टमार्टम दे विच पोस्टमार्टम पहले पोस्टमार्टम की तरह ही उसकी रिपोर्ट आती है। उसके बाबत उन्होंने आखना है कि हुण अंतिम संस्कार कल नूं किया जाएगा। तो पंजाब सरकार के उपर जो वड्डे दोष लगाए गए सन फिलहाल उस बारे कोई भी जिहड़ी टिप्पणी पिता द्वारा नहीं की गई है, पर इन्नी गल जरूर दसी गई है कि कल नूं 2 बजे अंतिम संस्कार जयपाल भुल्लर की मृतक देह का किया जाएगा। क्योंकि अज जयपाल भुल्लर की मृतक देह इतने पीजीआई विखे लिया गया पोस्टमार्टम के लिए। 3 बजे के करीब पोस्टमार्टम तो बाद मृतक देह वापस जिहड़ा फिरोजपुर जिले के लिजाया गया। कल 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन सुनील दे नाल राजदीप कौर, चंडीगढ़।